हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरी। मेरा नाम है सुमित। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। इससे पहले हमने दो और वीडियो डिस्कस किए हुए हैं जहां पे हमने फाइव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो पहले उन्हें वॉच कर लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिक्स प्रॉपर्टी, जो कि है कन्वोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ कॉन्वोल्यूशन। देखिए, कॉन्वोल्यूशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वो था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए। एंड हमें पता है जेट ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सपोज वी हैव टू सिग्नल्स x1n and x2n, and there is convolution between them. Convolution को हम denote करते हैं star के sign से, तो यहाँ पर convoluted signal होगा हमारे पास y of n, and y of n के लिए expression होगा हमारे पास y of n equal to summation of x1 k x2n minus k, and limits होगी from minus infinity to plus इन्फिनिटी। देखिए, सेम है जैसा कि हमने डिस्कस किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म में। सिंपली यहाँ पे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, तो हमने समेशन यूज़ किया हुआ है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जेट ट्रांसफॉर्म इज़ जस्ट अ काउंटर पार्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पर हमें सिमिलर रिलेशनशिप देखने को मिलती है दोनों ही में। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वो सारे वीडियोस आप पहले वॉच कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियोस पहले वॉच नहीं करेंगे तो हो सकता है कि शायद आपको इन वीडियोस में कोई प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में। यह है कॉन्वोल्यूशन एंड यह है कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो गेट में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, आपको दो सिग्नल्स गिवेन होंगे एंड उसके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि उसका कॉन्वोल्यूशन क्या होगा। कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या कंसेप्ट हैं उसके, तो वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल पार्ट वो मैं आपको करवाऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट के बाद। तो अभी इस पार्ट में हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बस, एंड उसके बाद हम ज़्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जब हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल से आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वहाँ पर हमें गिवन है x1n इक्वल टू 3201, एंड x2n गिवन है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। ये दो सिग्नल्स हैं एंड इसके लिए हमें फाइंड करना है कॉन्वोल्यूशन। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, देखिए, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में सिंपली हम इंटीग्रेशन करके कॉन्वोल्यूशन फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। इसे टेबुलेशन मेथड भी कहा जाता है, मैट्रिक्स मेथड भी कहा जाता है, अलग अलग बुक में इसे अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली एक मैट्रिक्स पहले ड्रॉ करेंगे, एंड हमारे पास टू सिग्नल्स गिवेन है x1n एंड x2n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा x1n एंड यहाँ पर हमने लिखा x2n। देखिए, सिग्नल हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आप भी उसी तरह से सॉल्व करें, सिग्नल आप चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट सिग्नल है हमारे पास, वहाँ पे फोर सैंपल्स हैं। देखिए, इस सिग्नल में हमें गिवन नहीं है कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम शो करते हैं एरो से, लेकिन जब क्वेश्चन में गिवन ना हो तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा जो फर्स्ट सैंपल होता है उसे ही हम लेते हैं सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा ये, जिसे हम शो कर सकते हैं एरो से भी। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट सैंपल है, जो फर्स्ट सिग्नल है उसके लिए फर्स्ट सैंपल है 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3। सेकंड सैंपल मैंने लिखा 2, 0 एंड 1। इसी तरह से सेकंड सिग्नल के लिए मैंने लिखा 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, यहाँ पे आप जो भी सिग्नल लेंगे x1 या फिर x2, उसे आपको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, एंड यहाँ पे जो भी आप सिग्नल लेंगे उसे आपको लिखना है हॉरिजेंटल फॉर्म में। ये रिप्रेजेंट करता है n=0 के लिए सैंपल, n=1 के लिए सैंपल, n=2 एंड n=3।
इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एन इक्वल टू जीरो के लिए सैम्पल है ये है एन इक्वल टू वन के लिए, एन इक्वल टू टू एंड एन इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है उसे देखते हैं। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सैंपल है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सभी सैंपल्स के साथ में, तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी 3, 2, 0 एंड 1। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ के सारे सैंपल्स के साथ में, तो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें 6, 4, 0 एंड 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9, 6, 0 एंड 3, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 एंड यहाँ पे मिलेगा हमें 12, 8, 0 एंड 4। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम कुछ डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे। किस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ की, इसी तरह से मैं यहाँ पे करूँगा एंड यहाँ पे भी, एंड इस तरह से हम कुछ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉन्वोलेटेड सिग्नल होगा y ऑफ n वो हमें किस तरह से मिलेगा। देखिए जो फर्स्ट डायगोनल लाइन है इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो होंगे सैंपल ऑफ y जीरो। इसी तरह से जो सेकेंड डायगोनल है उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं उनका एडिशन हम करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट ऑफ y वन को। इसी तरह से यहाँ पे मिलेगा हमें y टू एंड यहाँ पे मिलेगा हमें y थ्री, यहाँ पे मिलेगा हमें y फोर, y फाइव एंड यहाँ पे मिलेगा हमें y ऑफ सिक्स। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट डायगोनल है वो y जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप देखिए कॉन्वोलेशन में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए भी, कॉन्वोलेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्वोलेटेड सिग्नल होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट डिपेंड करता है गिवन सिग्नल के स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पे। कैसे, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा समेशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन टू सिग्नल्स एंड इसी तरह से एंडिंग पॉइंट होगा समेशन ऑफ एंडिंग पॉइंट्स ऑफ दिस टू सिग्नल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो से तो हमें मिलेगा वाई ऑफ जीरो एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट है हमारे पास थ्री तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्वोलेटेड सिग्नल के लिए एंडिंग पॉइंट मिलेगा 3+3 दैट इज 6। तो ये मैंने लिखा वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, तो यहाँ पे हमें कॉन्वोलेटेड सिग्नल मिलेगा कुछ इस तरह से। वाई जीरो के लिए जो सैंपल होगा वो होगा 3, वाई वन के लिए सैंपल होगा 6+2 8, वाई टू के लिए सैंपल होगा 9+4+0 दैट इज 13 एंड यहाँ पे आप देखें y4 के लिए हमारे पास सैंपल होगा 10, y5 के लिए हमारे पास सैंपल होगा 0+3 दैट इज 3 एंड y6 के लिए सैंपल होगा 4। जगह कम है इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास जो कॉन्वोलेटेड सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से 3, 8, 13, 10, 3 एंड 4 एंड इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा ये सेंटर पॉइंट, एन इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू होगी 1। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कॉन्वोल्यूशन। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसमें जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग हम किससे करें। तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्वोलेटेड सिग्नल इज़ एडिशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ बोथ गिवन सिग्नल्स। तो वही हमने किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जीरो था तो मैंने उनको ऐड किया, तो 0+0 होता है हमारे पास 0, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास कॉन्वोलेटेड सिग्नल के लिए 0, तो यहाँ पर मैंने लिखा वाई ऑफ 0। एंडिंग पॉइंट होगा 6, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था इसीलिए मैंने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट लिखा वाई ऑफ 6। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कॉन्वोल्यूशन। अगर अभी भी आपको कॉन्वोल्यूशन समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन सिग्नल्स हैं एक्स वन एन इक्वल टू वन 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 एंड वन, एंड एक्स टू हमें गिवन है एक्स टू एन इक्वल टू वन टू एंड फोर। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करते हैं, सेंटर पॉइंट हम लेते हैं फर्स्ट सिग्नल के लिए यहाँ पे, मतलब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है एन इक्वल टू माइनस टू, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये। अब जो हमारे पास कॉन्वोलेटेड सिग्नल होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हमें क्या मिलेगा, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्वोलेटेड सिग्नल इज एडिशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू सिग्नल्स, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है माइनस टू एंड यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो, तो हमें कॉन्वोलेटेड सिग्नल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा माइनस टू, एंड एंडिंग पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट है हमारे पास टू एंड यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है जीरो वन टू, तो एंडिंग पॉइंट हमें मिलेगा टू प्लस टू दैट इज फोर। तो कॉन्वोलेटेड सिग्नल क्या होगा हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक मैट्रिक्स। फर्स्ट सिग्नल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स वन एन, जिसके लिए सैम्पल्स हैं वन 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 एंड वन। सेकेंड सिग्नल मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स टू एन, जिसके लिए सैम्पल्स हैं वन टू एंड फोर। अब सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वन को हमें मल्टीप्लाई करना है इन सारे सैम्पल्स के साथ, तो ये हो जाएगा वन 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 एंड वन। इसी तरह से टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टू 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 एंड टू, एंड यहाँ पे मिलेगा हमें फोर 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 एंड फोर। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन मिलेगी हमें ये, सेकंड मिलेगी ये, थर्ड लाइन होगी ये होगी फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, इस तरह से हमने डायगोनल लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है माइनस टू, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वाई ऑफ माइनस टू को, जिसके लिए हमारे पास वैल्यू मिलेगी वन। अब यहाँ पे ये देखिए ये रिप्रेजेंट करेगा वाई ऑफ माइनस वन को, जिसके लिए सैंपल मिलेगा टू प्लस वन दैट इज थ्री। अब ये रिप्रेजेंट करेगा वाई ऑफ जीरो को, जिसके लिए सैंपल वैल्यू मिलेगी फोर प्लस टू प्लस वन दैट इज सेवन। ये रिप्रेजेंट करेगा वाई वन को, जिसके लिए सैंपल वैल्यू मिलेगी फोर प्लस टू प्लस वन अगेन सेवन। यहाँ पे भी मिलेगा हमें फोर प्लस टू प्लस वन अगेन सेवन, एंड यहाँ पे मिलेगा हमें फोर प्लस टू दैट इज सिक्स, एंड यहाँ पे मिलेगा हमें फोर। तो इस तरह से हमें मिलेगा कॉन्वोलेटेड सिग्नल, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा माइनस टू, तो सेंटर पॉइंट होगा इसका ये, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस एरो से। तो इस तरह से हम गिवन सिग्नल्स के लिए फाइंड करेंगे कॉन्वोलेटेड सिग्नल। अब यहाँ पे एक और जो कंसेप्ट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है इस कॉन्वोलेटेड सिग्नल की लेंथ। यहाँ पे आप देखिए कॉन्वोलेटेड सिग्नल की लेंथ है थ्री प्लस थ्री प्लस वन दैट इज सेवन। कॉन्वोलेटेड सिग्नल वाई एन की जो लेंथ है हमारे पास वो है सेवन। यहाँ पे आप देखिए एक्स वन एन के लिए इसकी लेंथ है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव, एंड इसकी लेंथ है हमारे पास थ्री। मैंने आपको बताया था लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली नंबर ऑफ जो सैम्पल्स होते हैं वो होती है सिग्नल की लेंथ। अब यहाँ पे जो रिलेशन है लेंथ में वो ये है कि जो कॉन्वोलेटेड सिग्नल होता है उसके लिए लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल वन प्लस एल टू माइनस वन, मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट सिग्नल प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड सिग्नल माइनस वन। देखिए फर्स्ट सिग्नल की लेंथ है फाइव प्लस थ्री, सेकेंड सिग्नल की लेंथ माइनस वन, यहाँ पे आप करेंगे तो आपको मिलेगा सेवन, जो कि है लेंथ ऑफ कॉन्वोलेटेड सिग्नल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में। तो जो आपको पॉइंट्स याद रखना है कॉन्वोलेशन के लिए वो है फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्वोलेटेड सिग्नल इज एडिशन ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ बोथ गिवन सिग्नल्स। इसके बाद आपको जो सेकेंड पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि लेंथ ऑफ कॉन्वोलेटेड सिग्नल इज एल वन प्लस एल टू माइनस वन। तो ये तो था कॉन्वोलेशन, इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्वोलेशन प्रॉपर्टी की।
तो कॉन्वोलेशन प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म में, सेम वैसी है। वहाँ पे हमने देखा था कि इफ़ देयर इज़ मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन देन वी हैव कॉन्वोलेशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन, या इफ़ देयर इज़ मल्टीप्लीकेशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन देन वी हैव कॉन्वोलेशन इन टाइम डोमेन। तो इसी तरह से यहाँ पे होगा, अगर हमारे पास गिवन सिग्नल्स हैं X1n एंड X2n एंड देयर इज़ कॉन्वोलेशन बिटवीन दैम, तो यहाँ पे इनके जेड ट्रांसफॉर्म में हमें देखने को मिलेगा मल्टीप्लीकेशन। मतलब दो सिग्नल्स हैं अगर हमारे पास और उनमें कॉन्वोलेशन हो रहा है, तो उनके जेड ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये है सिंपली कॉन्वोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।